उत्तराखंड के पौड़ी में पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध विकास विभाग सरकार की योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाने में आलस दिखा रहे हैं, जिसमें लापरवाह अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई गई है। वहीं पशुपालन विभाग को पशुओं के उपचार और उनकी देखरेख में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डीएम पौड़ी को हर 15 दिन में दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेने के निर्देश दिए, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता ले पाए। पौड़ी से मुकेश बचेती की रिपोर्ट। कोशिश रहती है कि जिस भी जिले में जाऊँ सबसे पहले अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक लें, जो समस्याएं उनके वो जिले की बताएं या अपनी विधानसभा की बताएं, उसके बाद मैं अधिकारियों की मीटिंग लेता हूँ, उनकी समस्याओं को अधिकारी के सामने रखकर उनका निस्तारण करने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे विभाग हैं जैसे पशुपालन विभाग हो गया, सबसे बड़ी समस्या हमारे को आज दो जगह विभाग में मिली है, क्योंकि मैं कोटद्वार में था, लैंड जोन में था, आज पौड़ी में हूँ। वहाँ पे जो हमारी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि वो पब्लिक तक नहीं पहुँची हैं और उसके अभाव से लोग उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैंने डीएम को आज आदेश किया है कि हर 15 दिन में हमारे इन तीनों विभागों की, फिशरीज़, दुग्ध विकास और हमारे पशुपालन, इनकी आप एक समीक्षा बैठक ले लीजिए, ताकि इनके ऊपर एक मॉनिटरिंग होती रहे और ये मॉनिटरिंग की वजह से थोड़ा तेज़ी से काम हो जाए। तो डीएम ने मुझे अश्योर किया है कि हर 15 दिन में वो एक हमारी विभागों की समीक्षा बैठक।